तो गाइस मैं आप लोग यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ डांस के लिए तकरीबन टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे ठीक ठाक होगी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज गाइस हमारा है तीसरा दिन, तो आज का दिन का जो हम करेंगे एंजॉय तो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। आज के बारिश भी नहीं है लेकिन बादल हो रहे हैं, खुशखबर हो सके बारिश हुई, अगर नहीं हुई तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, पहले मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे दर्जी बैठे उसमें। अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ, टंकी है, लिबास कुछ दे रहे हैं, लेके चलता हूँ। आसिम भाई बैठे हुए, कल का सफर कैसे गुजारा? बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन यहाँ पे चढ़ते पड़ते थोड़ा मुश्किल लगी थी, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत मजा आया। आज हमारा लास्ट है, आज हम जा रहे हैं गांव के, बताएं किसे एंजॉय किया, कहाँ घूमे कहाँ नहीं। आज दिन हम गए थे कारोगर पे, गए थे, बहुत बारिश हुई थी वहाँ पे, हवा भी बहुत ज्यादा थी और आज वहाँ पे पुलिस भी बहुत ज्यादा थे, हमें भी बहुत मजा आया था और बस सारे दोस्त साथ में थे, बहुत मजा आया। आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाओगे? यहाँ से निकलेंगे गांव के लिए, खाना खाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, जाएंगे वहाँ पे महादेव पे जाएंगे, महादेव से निकलेंगे तकरीबन हमें सुबह हो जाएगी, पहुंचते तकरीबन रात हो जाएगी, लेकिन रात से भी तकरीबन 2:30 जिस टाइम पे यहाँ पे पहुंचे उसी टाइम पे वहाँ, उसी टाइम 3-4 तो हो जाएंगे। और बताएं अभी आप यहाँ के बाहर यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो? फ्रेश फील कर रहे हैं लेकिन भूख बहुत लगी है, अभी बस सारे भूखे बैठे हुए, वो नहा लेते। मौसम कैसी है आज की? अच्छी है। तो आज का मौसम देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि इस मौसम के साथ में बारिश होगी नहीं होगी? बारिश तो नहीं होगी लेकिन मौसम अच्छी है, ऐसी मौसम चलती रही तो मजा आ जाएगा। छत पे हूँ मैं भी, तो मैं आपको उधर से पहाड़ियाँ दिखा सकता हूँ घूम करके। मौसम बहुत खूबसूरत है, तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। ये भी कितना नजारा, कितना खूबसूरत है। अगर 2-3 दिन के बाद जी जो ना यहाँ पे जैसे कि ये वाला ग्रास हो रहा है यहाँ नहीं, और इतना 2-3 दिन आपका 2-3 दिन के बाद यहाँ पे भी हो जाएंगी। सामने पानी, उधर दूर दूर से पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। तो गाइस अभी हम होटल में पहुंच चुके हैं, हमारे तकरीबन हमें आधा घंटा हो चुका है, मैंने खाना खा लिया वगैरह तो खा रहे हैं, इतनी भूख लगी थी मैं बोला मोबाइल नहीं ले रहा खाना खा के से। और अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ होटल में खाना खा रहे हैं बस, और सदाबहार होटल का नाम है। ड्राइवर पता नहीं कहाँ है, सामने पहाड़ी। तो अभी हम बैठे हुए यहाँ पे, इसलिए नहीं निकले हैं, जा रहे हैं बॉर्डर पे, और अभी टाइम मेरे ख्याल पे 3:30 हो रहे हैं, 3:30 बज रहे। लड़के सारे यहाँ पे बैठे हैं, लड़के ये इधर सीधी से पूछ रहे कहाँ की तैयारी है? मैं बाथरूम में जाने की तैयारी है तुम्हारी। बाकी लड़के सारे चश्मे वश्मे पहन के देखे, और एक 2-3 लड़के अंदर बाल कटवा रहे हैं, देखते हैं मेरे कौन कौन होगा। ये अब साफ दूंगा कोल्ड ड्रिंक, जब इनसे पूछते हैं कि खाना कैसे खाया, खाना कैसे गया,
खाना हमने अली वारिस होटल पर खाया, बहुत अच्छा खाना था माशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं चूड़िया मंदिर। अब हमारे चूड़िया मंदिर नहीं, खाली बॉर्डर पे जा रहे हैं। सुना है बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। कितने सुना है कि 3 घंटे का सफर होगा? जी जी बिल्कुल। तो अभी निकलते निकलते हमें तो सुबह हो जाएंगी। हाँ वो तो है, पता नहीं। और अब मुझे क्या खिलाओगे? वही तो कुछ भी नहीं होगा। तो गाइस अभी मैं जाता हूँ अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने। तो दुकान ढूंढते हैं हम, गेस्ट हाउस की तरफ पहुँचे। अभी नीचे आते हैं, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा, सामने इधर इधर ये रहा। इस होटल से पूछते हैं, इसके बाद होगी। ऊपर लिखा हुआ है इरफान कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आए, ये 60 वाली लेना है सिंह। फिर कितनी वाली होगी? 90 की है। कितने? 90 की। 90 की तो वहाँ पे मिली 70-60 की मिली है। 500 में नहीं होगी फिर वो। कौन सी लीटर वाली? कितने वाली? स्ट्रिंग 90 रुपये की। हाँ ये होगी। ठीक है, इससे ठंडी नहीं होगी यार? इससे ठंडी नहीं होगी। तो अभी हमने लिए कोल्ड ड्रिंक स्ट्रिंग्स, हम जाके पीते हैं।